जहां एक ओर देश डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, देश बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है, तो उसी देश में कई गांव ऐसे हैं जहां पर बुनियादी सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जम्मू से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव मनहासा की, जहां पर लोगों को बुनियादी सुविधाएं ही नहीं मिल रही हैं। सड़कें इतनी जर्जर अवस्था में हैं कि वहां वाहनों को चलना तो मुश्किल, आम आदमी भी बेहद मुश्किलों से चढ़ता है, और बारिश के मौसम में पानी लबालब इन सड़कों में भरा हुआ दिखता है। बिजली मिलती नहीं है, पानी आता नहीं है, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहा है जम्मू से महज 10 किलोमीटर का ये गांव मनहासा। पूरी खबर क्या है, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। चिराग तले अंधेरा, आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं चिराग तले अंधेरे की पूरी कहानी। ये तस्वीरें हैं जम्मू से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव घौ मनासा की, जहां लोग नारेबाजी कर सड़क मरम्मत की डिमांड कर रहे हैं। दरअसल इस आधुनिक युग में भी यहां अच्छी सड़कें नहीं हैं। जी हाँ, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इन सड़कों पर यात्रा करना किसी खतरे की दावत से कम नहीं है। दरअसल जम्मू शहर की चकाचक सड़कों से जब आप बाहर निकलेंगे और घौ मनासा की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको ऐसी ही सड़कें मिलेंगी जो आपको 15 मिनट की दूरी तय करने के बजाय डेढ़ घंटे की यात्रा के लिए विवश कर देंगी। दरअसल माण विधानसभा के इस गांव घौ मनासा की आबादी तकरीबन 6,000 है। यहाँ के निवासियों ने माढ़ के विधायक चौधरी सुखनंदन कुमार और प्रशासन पर अपनी नाराजगी जताई है। लोगों ने आरोप लगाया है कि पिछले 8 वर्षों से यहाँ की सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गई, जिसके चलते यहाँ की सड़कें खस्ताहाल हैं। यहाँ की सड़कें इतनी ज्यादा टूटी फूटी हैं कि अगर हल्की सी भी बारिश हो जाए तो पानी से लबालब भर जाती हैं, जिसके चलते गाड़ियां दलदल में भी फंस जाती हैं। इन टूटी फूटी सड़कों के चलते यहाँ के लोगों को शहर आने जाने में ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि लोगों ने विधायक जी को कई बार सड़क बनाने के लिए बोला भी है, लेकिन विधायक जी के कान पर आज तक जू नहीं रहेगी। यहाँ पे सड़क की बहुत दिक्कत है, यहाँ के सभी लोग इस सड़क से बहुत परेशान है। यहाँ के हम वाले सुखनंदन चौधरी रोज इधर सड़क से गुजरते हैं और ये सड़क को देख के भी अनदेखा कर देते हैं। उनको यहाँ जब वोट लेने होते हैं तो हर रोज आते हैं यहाँ पर, उनको ये दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर सड़क की हालत क्या है। जो डेली चक्कर कर इधर उधर घूम कर चले जाते हैं अपने आरे वगैरह के, जो जनता को कोई देखता ही नहीं है कि जनता देखो कितनी बाहर है, रोज दो तीन एक्सीडेंट हो रहे हैं। कि आज आपने जो देखा लोगों का जो हुजूम जो उमड़ा था, ये इस वजह से था कि इस रोड की जो खस्ता हालत है, और ये रोड हाली जम्मू शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसता है, और सबसे बड़ी बात ये मर विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है जिसमें तकरीबन 6,000 वोटर हैं, और आप लगा सकते हैं जहां 6,000 वोटर होगा तो वहां की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा होगी, और तब भी ये गांव ऐसे लगता है जैसे कोई पिछड़ा हुआ गाँव है। और जहाँ के जो विधायक हैं वो विधायक को अभी 9वां साल चल रहा है, लेकिन इस सड़क की तरफ उनका ना तो ध्यान गया ना तवज्जो गई है। हमें लगता है कि वो इस गांव को क्यों नजरअंदाज करें, हमें समझ नहीं लगता कि यहां सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि बिजली की भी ढेरों परेशानियां हैं, क्योंकि यहां बिजली कभी कभार आती है, जिसके चलते छात्रों को ढेरों परेशानियां होती हैं। बिजली तो है ही नहीं है, बिजली भी नहीं है, बिजली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिजली आती है 5 मिनट आती है, 5 मिनट जाती है, 5 मिनट आती है, 5 मिनट जाती है। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी तो चलो पानी का काम ठीक है, पानी का बिजली और सड़कें, लोगों ने अपनी मोटरें लगाई हुई है, वो पानी पीएचई के पानी भरने बैठे हुए लोग। सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि जहाँ एक तरफ जम्मू में विकास की सीढ़ी पर सरकार आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू से सटे हुए गाँव में सड़कें और बिजली पर कार्य क्यों नहीं करती? क्या इन्हीं सड़कों से चलकर ये गांव वाले शहर का रास्ता तय करेंगे और विकास की सीढ़ी चढ़ेंगे, या फिर इसे सही भी कराया जाएगा? माण विधायक चौधरी सुखनंदन आखिर इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते?
वोट लेते समय तो ये पहले पहुंचते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद आखिर ये अपने कर्तव्यों पर अमल क्यों नहीं करते, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कब विधायक चौधरी सुखनंदन सिंह नींद से जागेंगे और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं ठीक करेंगे, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो सड़कें हों या फिर अन्य बुनियादी सुविधाएं हैं। जम्मू से वक्त इंडिया के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।